हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 24 नवंबर और इसी के दिन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री का जो है वो जन्म हुआ था, जिनका नाम हीरा लाल शास्त्री था। आज इनके जीवनी को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको कवर करेंगे। बिफोर बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं हीरा लाल शास्त्री के जीवनी की तरफ। 24 नवंबर 1899 को, 1899 को जयपुर के जो भेर कस्बे में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। बचपन में उनके माताजी का देहांत हो गया हुआ था और शास्त्री जी का जो स्कूली शिक्षा था वो जो है वो जयपुर में ही पूरा हुआ था। लेकिन बाद में 1920 में उन्होंने साहित्य शास्त्री की डिग्री हासिल की और हीरालाल जोशी से जो है वो शास्त्री बने हुए थे, क्योंकि जब तक उन्होंने साहित्य की डिग्री नहीं ली थी तब तक उनका नाम जो है वो हीरालाल जोशी था। जैसे 1920 में उन्होंने शास्त्री की डिग्री ली, उनका नाम जो था वो हीरालाल शास्त्री हो गया। 1921 में उन्होंने जयपुर के ख्याति प्राप्त जो महाराजा कॉलेज है उससे केवल उन्होंने बीए की डिग्री ही नहीं ली, बल्कि उसी साल उन्होंने राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा में भी उनको चुना गया हुआ था, क्योंकि वो पढ़ाई करने में बहुत तेज थे। बड़ी मेहनत और अपनी कार्य कुशलता के कारण उन्होंने बड़ी तेजी से प्रोन्नति, मतलब कि प्रमोशन लिया था और गृह व विदेश विभाग के सचिव के पद पर उन्होंने जो है वो सर्व किया। लेकिन इनकी जो इंटेंशन थी वो देश के लिए थी, तो 1927 में 6 वर्ष तक इन्होंने सेवा किया और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने का जो है वो निश्चय किया था और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने राजनीतिक करियर को सेवने का काम किया। इनका इनिशियल जो पॉलिटिकल लाइफ था वो कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ था। इसके बाद देखेंगे शास्त्री जी ने जयपुर जो राज्य के निवाई तहसील के वनस्पति वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। ये उस समय इन्होंने किया था, भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इन्होंने स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। जीवन कुटीर संस्था को इन्होंने बनाया और ये स्वावलंबन पे कार्य करता था। इसका मेन काम था कि अपने ही खेत से जो है वो आप कपास को उगाए और उसी से आप जो है वो अपना कपड़ा बनाए, साथ में उसका जो वेस्टेज होता था उसको अपने पशुओं को खिलाए, जिससे कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता किसी और के ऊपर। जब 24 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, तो मेवाड़ मारवाड़ जैसे प्रभावशाली रियासतों के बीच में एक नेता को मुख्यमंत्री चुना था और ये उस वक्त के जो नेता थे उनके लिए काफी डिफिकल्ट वर्क हो गया हुआ था। और ऐसे मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल थे, जैसे कि जय नारायण व्यास, उसके बाद जो है वो माणिक्यलाल वर्मा जैसे दिग्गज नेता थे, मगर सरदार पटेल के साथ जो था वो हीरालाल शास्त्री का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। इसलिए राजस्थान के जो पहले निर्वाचित प्रधान हुए थे वो हीरालाल शास्त्री ही बने थे। और इसके बाद क्या हुआ कि 20 मार्च 1949 को जब अजमेर मेरवार राजस्थान में विलय हुआ, तो वहां पर मुख्यमंत्री का नाम चुनने के लिए फिर से प्रश्न उठने लगा और जो है वो फिर से सरदार पटेल की कृपा से हीरालाल शास्त्री वहां के मुख्यमंत्री बने, कहाँ के, राजस्थान के। इसके बाद है 30 मार्च 1949 को जो है, और 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे थे और जिन्हें आजादी के बाद पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके राजस्थान पीसीएस से कभी क्वेश्चन आए तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 जनवरी 1951 को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजनीति छोड़ने के बाद हीरालाल शास्त्री अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ जयपुर से 75 किलोमीटर दूर वनस्थली गांव में रहने लगे। एक रोज उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम शांता था वो बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत आहत पहुंचाया था हीरालाल की जीवनी पर और इन्होंने पूरे देश की बेटी को अपना बेटी मान लिया और इन्होंने वनस्पति जो है वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की और ये आज के समय में विश्व की सबसे बड़ी बालिका विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जिसमें अलग अलग तरीके के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ये था, और इनके जीवनी की जो दो उपलब्धि थी वो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बनना और दूसरा वनस्पति वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करना, तो ये था। और 28 दिसंबर 1974 को वनस्थली में ही इनकी मृत्यु हो गई हुई थी और सरकार ने इनके सम्मान के लिए डाक टिकट जारी किया था। ये इनका एक छोटा सा बायोग्राफी था, बट जो इनका सेक्रीफाइस था उसके हिसाब से इनके लिए बहुत कुछ नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो इसी कारण से जीवनी को हम लोग यूट्यूब पर लाते हैं, जिससे कि ये चीजें लोगों तक तो पहुंचे और डिमांड हो मार्केट में। तो आप इनके लिए क्या उम्मीद करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसको और ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, अगर इन्फॉर्मेटिव था तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किसी अलग व्यक्ति के जीवनी के साथ या फिर रिसेंट में न्यूज़पेपर में चल रहे किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।